मैं चंदन राज। आज मैं बात करने वाला हूँ एबीसी एनालिसिस के बारे में कि एबीसी होता क्या है या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आज किए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे इसका जो सैंपल कलेक्शन कैसे लेते, क्या क्या चीज इसमें देखते हैं, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल पर अगर आप न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे, चाहे वो फार्माकोलॉजी, चाहे गायनी है, ऑब्स है, ऑल टू ऑल आपको प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एबीसी एनालिसिस के बारे में। तो एबीसी कहने का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। ये हम लोग इसलिए करते हैं, एनालिसिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस एंड मैनेजिंग द पेशेंट ऑक्सीजनेशन स्टेटस, वेंटिलेशन स्टेटस एंड एसिड बेस बैलेंस। ये हम इसलिए करते हैं डायग्नोसिस के लिए कि जो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कैसा है, सेकंड उसके वेंटिलेशन स्टेटस के बारे में और एसिड बेस बैलेंस। जैसे कि आपने लेक्चर में पढ़े होंगे कि अगर एसिड बेस बैलेंस अगर सही से नहीं रहेगा तो एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं, और ऑक्सीजन से जो आपके ब्लड में कितना अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उन सभी को देखने के लिए हम लोग एबीसी एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर मैंने बताया हूं ऑक्सीजनेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए एंड एसिड बेस बैलेंस के लिए। हम लोग ऑक्सीजनेशन में हम लोग ऑक्सीजन का मात्रा देखते हैं कि कितना है, और बात करते हैं वेंटिलेशन में यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में कितना प्रेजेंट है यानी कितना बाहर की ओर निकल रहे हैं, और बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस में तो हम लोग पीएच वैल्यू देखते हैं कि एसिडिक है या बेसिक। तो इसलिए एबीसी एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस। अब इसका यूजेस क्या है जिसके बारे में जानते हैं, तो ये चेक योर एसिड बेस बैलेंस। मैंने बताया कि आपके एसिड बेस बैलेंस को देखने के लिए इसको करते हैं डायग्नोसिस टू द सीरियस प्रॉब्लम विद योर लंग्स एंड ब्रीथिंग। कि किसी पर्सन को अगर लंग्स डिजीज है या फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके लिए एबीसी कराया जाता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आर्टेरियल ब्लड गैस, यानी जो आर्टरी में जो ब्लड है उसमें गैसेस की अमाउंट कितना कितना पाया जा रहा है उस चीज को तो हम डायग्नोसिस करते हैं। किडनी डिसऑर्डर एंड फाइंड आउट द वेदर ट्रीटमेंट इज वर्किंग फॉर द ब्रीथिंग डायग्नोसिस, किडनी, अदर कंडीशन दैट मे अफेक्ट योर एसिड बेस बैलेंस। जैसे मैंने किडनी के लिए करवाया, लंग्स डिजीज के लिए करवाया, और एसिड बेस बैलेंस में कोई भी डिसबैलेंस वगैरह होते हैं तो उनसे होने वाले डिजीज उससे रिलेटेड ये डायग्नोसिस करवाए जाते हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए। हम बात करते हैं कि जो आप एबीसी एनालिसिस करते हैं उसमें क्या क्या सब मेजरमेंट हम देखते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे और ये क्या चीज को बताता है। जैसे हम बात करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में, हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, फिर बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यानी PaCO2 कि जो ब्लड्स में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सभी का प्रेशर कितना है उन सभी के बारे में। और जो फोर्थ मेजरमेंट होते हैं ये आपके पीएच बैलेंस, पीएच लेवल, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में कि दिस मेजर्स द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन दैट डिसॉल्व योर बॉडी सो ब्लड, यानी जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसके बारे में बताता है। इट हेल्प्स शो हाउ वेल ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम योर लंग्स टू योर ब्लड स्ट्रीम। जो आपका ऑक्सीजन है वो लंग्स से ब्लड की ओर कितना आता है उसके बारे में ये बताता है। यानी जब आप जो हम लोग जानते हैं कि सबसे नीचे में क्या होता है सुपीरियर वेना कैवा और ऊपर में होता है इंफीरियर वेना कैवा, ये दोनों आपके राइट एट्रियम में ब्लड को लेकर आते हैं। राइट एट्रियम से क्या होता है ये राइट वेंट्रिकल में जाता है और यहां से पल्मोनरी में वेन के द्वारा ये कहा था लंग्स में आता है और लंग्स से फिर किसमें आता है लेफ्ट आट्रियम में। तो ये जो आता है जैसे तो प्रेशर रहेगा तब तो आ पाएंगे, अगर प्रेशर उसका कम रहेगा ऑक्सीजन का तो बहुत सारे एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा, तो उस चीज के बारे में ये बताता है। सेकंड बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में,
कि दिस मेजर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड, इट आल्सो शो हाउ इजली कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव आउट फ्रॉम योर बॉडी। जैसे पहला में हम लोग जाने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में कि लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में कितना आ रहे हैं, कितना एग्जर्ट कर रहे हैं जिसके बारे में। लेकिन यहां पर क्या कि आपके जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर आपके बॉडी से बाहर कितना आ रहे हैं उसके बारे में यह बताने का कौन करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस के बारे में कि दिस मेजर द एसिडिटी ऑफ योर ब्लड, टू मच एसिड इज कॉल्ड एसिडोसिस। अगर आपके ब्लड में एसिड की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। और अगर ज्यादा बेस है जिसे हम अल्कलाइन के नाम से जानते हैं तो इस चीज को हम अल्कलोसिस के नाम से जानते हैं। तो जब आप डिजीज कंडीशन पर होगे कि जब एसिड का मात्रा बढ़ता है तो उसको हम लोग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के नाम से जानते हैं, उसका डिजीज कंडीशन अलग है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पैथोलॉजी के वीडियो लेक्चर में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, उसको जरूर से जरूर देखें ताकि डिजीज भी आपको कोई भी दिक्कत न हो। दिस कंडीशन आर सिम्टम्स ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स अपसेट ऑफ द एसिड बेस बैलेंस इन योर बॉडी। इसका साइन सिम्टम्स अलग होगा क्योंकि यह किसके कारण से हो रहा है, एसिड बेस बैलेंस में कोई भी डिस्टर्बेंस है, लेवल अप है तो जिसके कारण से एसिड का अगर ज्यादा है तो एसिडोसिस कॉज कर रहा है और अगर कम है बेस का ज्यादा है तो अल्कलोसिस कॉज कर रहे हैं। तो ये हमें एबीसी में ये चार यूनिट को हम लोग देखते हैं, सबसे पहला ऑक्सीजन सैचुरेशन, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हमारे ब्लड में है यानी लंग्स से ऑक्सीजन कितना आपके ब्लड में आ रहा है जिसके बारे में, थर्ड नंबर में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना आपके बॉडी के बाहर आ रहे हैं यानी ब्लड के साथ मिक्सअप होके बाहर की ओर, एंड फोर्थ नंबर अगर बात करें एसिड बेस बैलेंस, अगर एसिड का मात्रा ज्यादा है तो इन चारों चीज को हम लोग मेजर करने के लिए एबीसी एनालिसिस करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे साइट ऑफ एबीसी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस जो सैंपल जो आप एबीसी लेने जाते हैं ब्लड सैंपल ये कहां कहां से कलेक्ट करते हैं जिसके बारे में बात करेंगे और इसके नॉर्मल वैल्यूज के बारे में। जैसे ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग एबीसी कलेक्शन ले सकते हैं, या फिर रेडियल आर्टरी के द्वारा आप ले सकते हैं, या फिर फीमोर के द्वारा आप ले सकते हैं, या फिर डोर्सल पेडिस आर्टरी के द्वारा लेते हैं। अगर मोस्टली जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है एबीसी का वो रेडियल आर्टरी के द्वारा और फीमोरल आर्टरी के द्वारा। क्वेश्चन आते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एबीसी सैंपल कलेक्शन, तो कौन होगा आपका, वो ये आपके होंगे फीमोरल एंड रेडियल आर्टरी के द्वारा इस चीज को लिया जाता है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं इसका पीएच वैल्यू के बारे में, तो इसका जो नॉर्मल रेंज बात करें तो पीएच इसका 7.34 से लेकर 7.45। अगर बात करते हैं HCO3 के बारे में तो 22 से लेकर 27 मैक्यू पर लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 35 से लेकर 45 mmHg। ऑटो सैचुरेशन की बात करें तो 96 से लेकर 100%। एंड बात करते हैं PCO2 के बारे में, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, तो यह 80 से 100 mmHg होते। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बात किया कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कहां से लेते हैं, एबीसी होता क्या है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।